अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। घर जा रहे हैं? जी, अम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था, वो लेकर आ रहा हूँ। साथ भाई, मैंने एक टंग ट्विस्टर सीखा है। कैसा टंग ट्विस्टर? ये देखे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। टंग ट्विस्टर बाबर ने कमाल कर दिया। क्या हुआ बाबर भाई, कहाँ खो गए? हाँ सॉरी, कैसा था? गुड। अब आप करके दिखाएं। मैं? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। ऊंचे ऊंट की ऊंच ऊंची। क्या 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 कहा? ऊंच ऊंची? ऊंच नहीं साथ भाई, पूंछ ऊंची। कोई बात नहीं बाबर भाई, कल मैं टंग ट्विस्टर बिल्कुल सही सुनाऊंगा, और वो भी बिना अटके। ठीक है साथ भाई, कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम साद भाई। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंच की। अरे यार, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। आप ही ये साद भाई क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। पूंछ? ये क्या होती है? पूंछ मतलब दुम। अच्छा, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। अरे वाह, मजा आ रहा है, ये तो बहुत जबरदस्त है। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। साद, सादिया, आफिया, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? बाबा, बाबर भाई से मैंने एक टंग ट्विस्टर सीखा है, उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। बाबा जान, मुझे भी याद हो गया, सुनाऊं आपको? सुनाएं। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। आप तीनों इधर आएं, मेरे पास आकर बैठें। जी बाबा। आप तीनों ने इसे ऐसे याद किया जैसे कोई सबक याद करते हैं, लेकिन इसे याद करके आप लोगों को कोई फायदा हुआ, दीनी या दुनियावी? कुछ भी नहीं। तो एक टंग ट्विस्टर से भला क्या फायदा हो सकता है? बच्चों, हमेशा याद रखो, जिसका दीनी या दुनियावी कोई फायदा ना हो, उस काम को करना ही नुकसान है। इसकी जगह तो आप लोग कोई एक अच्छी बात याद कर लेते, दुरूद शरीफ पढ़ लेते, या कोई हदीस याद कर लेते, जैसे ये हदीस। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। तर्जमा, तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। ये हदीस अब आप तीनों ने जबानी याद करनी है, ठीक है? जी बाबा, इंशाअल्लाह। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। साथ भाई, बाबर भाई। जी जी, मैं हूँ। साथ भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। बाबा जान कहते हैं कि पहले सलाम, बाद में बात। ओ हाँ, सॉरी, जहन में नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम। वो टंग ट्विस्टर याद हुआ आपको? हो गया था, लेकिन फिर मैं जानबूझकर भूल गया। हैं, ये क्या बात हुई? बाबर भाई, मेरे बाबा जान कहते हैं कि जिस काम का दीनी या दुनियावी कोई भी फायदा ना हो, तो उस काम को करना ही एक नुकसान है। टंग ट्विस्टर याद करने से तो कई ज्यादा अच्छा है कि हम कोई हदीस याद कर लें। कल मेरे बाबा जान ने एक हदीस याद करवाई है, आए मैं आपको भी सिखाता हूँ। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। तर्जमा, तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। सुभान अल्लाह, चले इसे याद करते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराएं। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। कमाल तो अब किया है आप लोगों ने। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी बातें करें या खामोश रहें। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया। साद और सादिया के साथ।
ये लो डॉगी, तुम्हारा खाना। साद भाई, मैंने सुना है कि घर में कुत्ता रखना मना है। बाबर भाई, मेरे बाबा जान ने मुझे बताया था कि शौक या कुत्ता नहीं पालने चाहिए, लेकिन हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। अच्छा। मुर्गा, अभी पकड़ता हूँ इसे। भाग के कहाँ जाओगे? क्या कर रहे हैं बाबर भाई, ऐसा ना करें प्लीज। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। रुके रुके, ठहरे, ना करें। अब क्या करोगे तुम? बाबर भाई रुक जाए प्लीज। बाबर भाई, जानवरों को तंग करना बहुत बुरी बात है। अरे साथ भाई, या आपने व्हाइट मुर्गा ही क्यों ले लिया? मुर्गे तो कलरफुल ही अच्छे लगते हैं। बाबर भाई, सफेद मुर्गे की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्ग रखा करो, इसलिए कि जिस घर में सफेद मुर्ग होगा तो ना शैतान उनके घर के करीब होगा और ना जादूगर उनके घरों के करीब होगा जो उस घर के इर्द गिर्द है। अच्छा चले ठीक है साथ भाई, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। चले ठीक है बाबर भाई, फी अमानिल्लाह। बाबर भाई ऐसे नहीं फेंकते। ये कौन कर सकता है? मुर्गे भाई, कौन कर सकता है ये? क्या? अरे ये स्लाइस आधा खाकर बाहर फेंका हुआ था, ये हरकत किसकी होगी? चौकीदारी करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और अपनी ये जासूसी तुम अपने पास ही रखो, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं आजमाना। मेरे पास ऐसी फजूल हरकतें करने का टाइम नहीं है, समझे? मतलब तुमने नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? नहीं था। फिर कौन कर सकता है ये? सादिया, ये स्लाइस आपने बाहर फेंका था ना? नहीं तो साथ भाई, मैं बला के फेंकूंगी। मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि ये ब्रेड की थैली को इस तरह से किसने खराब किया है। यह हरकत जिसकी भी है बहुत गलत हरकत है। एक हदीस का मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान और जमीन की बरकतों में से है। आपी, आपी उठे ना। क्या हो गया फिया? सो जाएं, रात बहुत हो रही है। आपी, आपी पानी, आपी। क्या हो गया आफिया आपको, नींद नहीं आ रही क्या? आपी पानी। हूँ, अच्छा लाती हूँ। आफिया, अगर आप छुपी हुई हैं तो बाहर आ जाएं। आफिया जी। आपी, आप मुझे बुला रही थी क्या? हैं, आप यहाँ हैं तो फिर वहाँ कौन है? कहाँ पर? नहीं कुछ नहीं, ये ले आप पानी पिए। कौन है? चूहा, कहाँ है? कहाँ गया? वो तो भाग गया। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बताते जब हमको सादर साद। तकफिरुल्लाह। आफिया, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं साद भाई। ये रोटी को इस तरह आप जमीन पर क्यों फेंक रही हैं? इस तरह से रोटी को जमीन पर फेंकना तो रिस्क की बेअदबी है। साद भाई, ये मैं नहीं खाती। तो बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरह रोटी को यूं जमीन पर फेंक दें। लाएं, ये मुझे दें।
रोटी को कभी भी ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। एक हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अकरिमुल खुब्ज़ा फइन्नहु मिन बरकातिस समाई वल अर्द। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकत से है। बाबा जान, इस हदीस का तो साद भाई ने भी मुझे बताया था। शाबाश साद बेटा, अपने छोटों को इसी तरह अच्छी अच्छी बातें बताते रहना चाहिए और अगर हो सके तो याद भी करवानी चाहिए। जी बाबा जान, जैसे आपने मुझे याद करवाई थी। चलें हम सब मिलकर ये हदीस याद करते हैं। रोटी का एहतराम करो, रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकात से है। शाबाश। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमानों जमीन की बरकात से है। साथ और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस बच्चों का मदनी चैनल आ गया। क्या बात है, ये आ गया। साथ और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस मुर्गा, अभी पकड़ता हूँ इसे। भागते कहाँ जाओगे? बाबर भाई, जानवरों को तंग करना बहुत बुरी बात है। अरे ये स्लाइस आधा खाकर बाहर फेंका हुआ था, ये हरकत किसकी होगी? चौकीदारी करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। क्या ये ब्रेड की थैली को इस तरह से किसने खराब किया है? ये हरकत जिसकी भी है बहुत गलत हरकत है। कौन है? चूहा! कहाँ है? आखिर ये चूहा आया कहाँ से? मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। हो सकता है वो चूहा किचन से आया हो। यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है। हो सकता है इसके पीछे से आया हो। नहीं, यहाँ भी नहीं है। डस्टबिन के पास देखता हूँ। हाँ, मिल गया। तो कल वो स्लाइस इस चूहे ने खाकर फेंका था। क्या हुआ बेटा, मिला कुछ? जी बाबा जान, मिल गया। यहाँ नीचे दीवार में एक सुराख हो गया है। वो चूहा यकीनन यहीं से अंदर आया होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। वैसे हैरत है, मेरी मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये चूहा अपनी दुम कैसे मार गया? आप ठहरे बड़े लोग, इतना छोटा सा चूहा भला आपको कहाँ नजर आया होगा? आप भी ना, कभी एक दूसरे से मोहब्बत से भी बात कर लिया करें। ये ले बेटा, बंद हो गया ये रास्ता। मैंने जो इस पे प्लास्टर लगाया है, इससे ये अभी फौरन ही सख्त हो जाएगा। बाबा जान, आपको ये काम भी आता है? इतना तो इंसान देखकर भी सीख सकता है। लेकिन बाबा जान, ये काम तो मैंने उन लोगों को करते देखा है जो घर वगैरह बनाते हैं। आपने ये काम उनसे क्यों नहीं करवाया? साथ बेटा, इंसान को इतना काम तो आना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने बहुत से काम खुद अपने हाथों से कर लिया करते थे। आओ मेरे साथ। कर रही है आफिया? यहाँ क्या कर रही है आप? मैं कुछ नहीं कर रही। यहाँ किचन में बैठकर अब आप क्या खा रही हैं? कुछ नहीं खा रही आपी, खिला रही हूँ। क्या छुपा रही है? देखे, कुछ भी नहीं खा रही।
अच्छा चलो जल्दी, बाबा जान बुला रहे हैं आपको। क्यों? अरे भाई वो बाजार से अंगूर लेकर आए हैं, शायद वो ही खाने के लिए बुला रहे होंगे। अंगूर? अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। नहीं साथ चले मेरे। अरे भाई आप चले ना, मैं आ रही हूँ। जल्दी अंगूर खाओगी? बेटा अम्मी से कहो ये अंगूर जरा धोकर किसी बर्तन में निकाल कर दे दें। जी बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ है अंगूर? परेशान नहीं आफिया आ रहे हैं। अच्छा थैंक यू बाबा जान, मुझे अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं। आफिया बेटा अगर आप थैंक यू की जगह जज़ाकअल्लाहु खैरा बोलेंगी तो ये ज्यादा अच्छी बात है। जी बाबा जान जज़ाकअल्लाहु खैरा। मुझे पता है आपको अंगूर बहुत पसंद है। साद भाई आप तो कह रहे थे नाले के पास दीवार में एक सुराख हो गया है जिससे वो चूहा आया था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई सुराख नजर नहीं आया। अब कैसे नजर आएगा, बाबा जान ने वो सुराख बंद कर दिया है और इतनी सफाई से किया है कि पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ इससे पहले कोई सुराख था। बाबा जान आपने वो काम खुद ही कर दिया? जी बेटा हमारे प्यारे आका अक्सर अपने काम खुद ही कर लिया करते थे। इस हवाले से हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। चलें हम सब मिलकर ये हदीस याद करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। माशाल्लाह शाबाश। चलें अब हम इसे मिलकर दोहराते हैं ताकि हमें ये हदीस याद हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। साद और सादिया के साथ हम सीखे हदीस। बच्चों का मदनी चैनल।